हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको खोलनी है अपनी यही पुस्तक और निकालना है पृष्ठ संख्या 105। तो चलिए देखते हैं कि हमें आज क्या क्रियाकलाप करना है। कहानी से आगे, तो हमें याद है कि हमने पढ़ी थी कहानी सुनीता की पहिया कुर्सी, जिसमें एक लड़की सुनीता जो कि पहिया कुर्सी की मदद से चलती थी। उसने कहा है, सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। तो वह अपने पैरों से चलने में असक्षम थी, इसी वजह से वह किसकी मदद से इधर उधर चला फिरा करती थी, पहिया कुर्सी की मदद से। तो उस कहानी से आगे अब बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या हमें करने के लिए बोला है। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। तो पहली चीज जो हमें पता करनी है वह किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं, और दूसरी चीज हमें जो पता करनी है वह है ये उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा। तो जैसे कि हमें पता है कि सुनीता अपने पैरों से चलने में असक्षम थी, इसलिए वह पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। इसी प्रकार रवि भैया भी देख नहीं सकते हैं, पर वह किताबें पढ़ लेते हैं। तो वह कैसी किताबें पढ़ सकते हैं जब उन्हें अक्षर ही नहीं दिख रहे हैं, तो कैसे पढ़ पा रहे हैं। तो कोई तो विधि है जिसकी वजह से वह पढ़ पा रहे हैं। तो यह विधि के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था और वह क्या है, चलिए इसके बारे में हम पता करते हैं। जो लोग देख नहीं पाते वे ब्रेल लिपि से किताबें पढ़ते हैं। जी हाँ, उस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। जो लोग देख नहीं पाते वह इस लिपि का प्रयोग करते हैं पढ़ने और लिखने के लिए भी। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने का एक ऐसा कोड है जो स्पर्श के माध्यम से समझा जा सकता है। इस लिपि में एक विशेष प्रकार के कागज का इस्तेमाल होता है जिस पर उभरे हुए अक्षरों को छूकर पढ़ा जा सकता है। तो यह तस्वीर अगर हम ढंग से देखें तो यहाँ पे कुछ हमें अक्षर दिख रहे हैं जो उभरे हुए हैं। अगर हम उन्हें छुएं तो वह हमें महसूस होंगे। तो हर जो उभरा हुआ डॉट है उसका अपना अलग मतलब है। तो ऐसे ही छू छू कर नेत्रहीन लोग पढ़ते हैं, ऐसी ही किताबें पढ़ते हैं, और ये किताबें ब्रेल लिपि में लिखी जाती हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि रवि भैया पढ़ते कैसे थे, वह ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते थे। इसी तरीके से ही कागज पर हाथ फेर कर वह पढ़ते थे, और लिखने के लिए भी वह यही कागज का प्रयोग करते होंगे और एक एक सुई जैसा यंत्र प्रयोग करते होंगे जिससे वह ऐसे गड्ढे बना सके, ऐसे डॉट्स बना सके। अब लेकिन यह बनाई किसने, किसने इसके बारे में सबसे पहले सोचा, यह बारे में पता करते हैं। तो इस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा था। तो जिस इंसान ने सबसे पहले सोचा था वह है यह, और इस तस्वीर से हमें पता चल रहा है कि वह खुद भी नेत्रहीन थे। तभी तो वह जान पाए कि हमें कितनी ज्यादा जरूरत है ब्रेल लिपि की। तो इन्होंने ही इस लिपि के बारे में सोचा था और बनाई थी, तो इसी वजह से इसको हम ब्रेल लिपि भी कहते हैं, उन्हीं के नाम से यह ली गई है। तो इस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा था। तो यह रहे लुई ब्रेल, और इन्होंने ही सबसे पहले सोचा था इस लिपि के बारे में। तो यह था आज का क्रियाकलाप, इसका दूसरा भाग हम करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी कविता या क्रियाकलाप लेकर।